दोस्तों आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल हावड़ा में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं कि चौथे चरण का चुनाव हो गया है और पांचवें चरण में यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसून बनर्जी मुकाबला कर रहे हैं और उनके मुकाबले में बीजेपी की तरफ से रथिन चक्रवर्ती है और इंडिया अलायंस की तरफ से सब्यसाची चटर्जी मुकाबले में। इसी सिलसिले में बात करेंगे मोहम्मद सलीम साहब के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सीनियर लीडर है, अरसा से पूरी ज़िंदगी उन्होंने सियासत में दी है और आज भी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से प्रसून बनर्जी कामयाब हो, इसकी दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ एक पार्टी ऑफिस भी, जिस जहाँ हम इंटरव्यू हो रही है, जहाँ बातचीत हो रही है, ये वो जगह है जहाँ इन्होंने इलेक्शन के लिए एक ऑफिस खोला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल हावड़ा के सिलसिले में, जहाँ से सदर से टिकियापाड़ा से, कि यहाँ प्रसून बनर्जी क्या हालत है, क्योंकि उनके मुकाबले में दो दिग्गज नेता है, एक मेयर, एक्स मेयर है रथिन चक्रवर्ती और एक इंडिया अलायंस की तरफ से CPM के उम्मीदवार सब्यसाची चटर्जी। मैं मोहम्मद सलीम, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट, एक्स काउंसिलर, हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मोहम्मद सलीम। ये आपको क्या लगता है यहाँ पर प्रसून बनर्जी कहाँ तक कामयाब होंगे, क्योंकि उनके मुकाबले में यहाँ पर मेयर हैं जो इस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। प्रसून बनर्जी का यहाँ किसी से मुकाबला ही नहीं। प्रसून बनर्जी एक तरफा जीत रहे हैं और लोग जो कयास कर रहे हैं, कुछ लोग, कि एक्स मेयर का इनके साथ मुकाबला है, तो इनकी भी कहानी वही है। हावड़ा के सरस सदन के हॉल में दीदी ममता बनर्जी ने एक कॉन्फ्रेंस में एक्स मेयर रथिन चक्रवर्ती से हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो खुर्द बुर्द हुआ था उसके सवाल और जवाब किए थे और उसी रोज से इन्होंने BJP के साथ अपना रिश्ता कायम कर लिया था। और जो आप पूरे हिंदुस्तान में जो मंजर देख रहे हैं कि BJP के वाशिंग पाउडर से जो लोग नहा लेते हैं वो बिल्कुल पाक और साफ हो जाते हैं, इनकी भी कहानी यही है कि TMC में रहकर अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लीडरशिप इनके खिलाफ कुछ बोले नहीं बल्कि इनको बर्दाश्त करे, ये इनकी कहानी है। इसलिए इस बार तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार प्रसून बनर्जी का मुकाबला कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि फिरका परस्त लोग जो यहाँ रहते हैं वो तो TMC के खिलाफ ही हो जाएंगे। रही सवाल कांग्रेस, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस और CPM का इंडिया अलायंस उन लोगों के साथ नहीं है, एक्चुअल इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर हम लोग हैं। दीदी ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस का नाम रखा और दीदी के कोशिशों से ये सारा हुआ, लेकिन इंडिया अलायंस के ये लोग जो दावेदार दावा ठोक रहे हैं ये CPM पार्टी से, और आज की बंगाल के नाम निहाद कांग्रेस से कोई पूछे कि क्या आप वही कांग्रेस हैं जिस कांग्रेसियों के हाथों को काट दिया था केंदुआ में CPM पार्टी ने, आप कैसे इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। 54,000 लोगों को CPM पार्टी ने शहीद कर दिया था TMC में इक्तदार के आने से पहले। दीदी ममता बनर्जी ने उसी रोज़ ये फैसला कर लिया था कि बंगाल की ये कांग्रेस प्रो CPM हो गई है, इसलिए इससे आज़ादी हासिल करना, छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है। और आज आप देख रहे हैं कि CPM और बंगाल की नाम निहाद कांग्रेस के साथ किस तरह से समझौता हुआ है और इस समझौते को हावड़ा की जनता बिल्कुल नहीं मान रही है और पूरे बंगाल की जनता इसको रिजेक्ट कर चुकी है, इस पार्टनरशिप को। इसका नतीजा आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में CPM 0, कांग्रेस 0, बंगाल की नाम निहाद कांग्रेस 0, बंगाल की असली। इसलिए लोग आज नारा लगा रहे हैं बी गार्डन से बाली, BJP खाली, बी गार्डन से बाली, CPM और नाम निहाद कांग्रेस, बंगाल की कांग्रेस खाली। नेता की 30 से 32 क्या 35 सीट 36 सीट तक तृणमूल कांग्रेस के झोली में जा रही है। आपने वहाँ संदेश खाली का मामला देखा कि किस तरह से साजिश करके ये लोग तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन महिलाओं को वाइट पेपर में ब्लैंक साइन करवा के उसके बाद FIR बनवाया जिन लोगों ने, आज वही महिलाएं बाहर निकल के कह रही हैं कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, हम लोगों के साथ दगा किया है,
भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस तरह से, वो लोग सब, वो सारी महिलाएं अपने बयान से बिल्कुल मुकर गई हैं। और उस बीच आप देख रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर साहब किस तरह से, एक राजा दिल्ली में बैठा है और उसके जितने हवारी हैं पूरे हिंदुस्तान के रियासतों में गवर्नर के रूप में बैठे हुए हैं, और उनका ये कारना है। पूरी दुनिया में अगर कहीं झूठों का मुकाबला होगा तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जुगनो चैंपियन जिसको कहा जाता है, ज्वाइंट चैंपियन ये दोनों हो जाएंगे झूठों के मुकाबले में। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में लोग पना मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये अब जमहूरी हुकूमत की ये पार्टी नहीं रही, ये एक बादशाहत चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अगर एयरपोर्ट का फीता काटना हो तो नरेंद्र मोदी काटेंगे, मेट्रो रेल का फीता काटना हो तो नरेंद्र मोदी काटेंगे, स्टेशन का इफ्तिताह करना हो तो नरेंद्र मोदी काटेंगे। एक कहावत है, हर चमकते चीज़ को सोना नहीं समझना चाहिए। 10 साल 12 साल 15 साल तक लोगों ने एक चमकते चीज़ को, पीतल को उठाकर सोना समझ के गले लगा लिया था, और आज जब उसका निकेल उतर गया, उसकी पॉलिश उतर गई है, तो लोग समझ रहे हैं कि ये तो नकली था। तो नकली लोगों से आज लोग होशियार हो गए हैं। और जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, दीदी ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस का नाम दिया, और वो दिन दूर नहीं देखिएगा। हमें तो लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल को चमकाया है, गरीबों की ज़रूरतों को पूरा किया है, पूरा हिंदुस्तान इस फॉर्मूला को अपनाना चाह रहा है, और इसको अपनाने के लिए और इसको कामयाब बनाने के लिए ममता बनर्जी हो सकता है देश की प्रधानमंत्री बन जाए, और पहला बंगाली प्रधानमंत्री होगा जिसका नाम ममता बनर्जी। राम मंदिर किसी ने नहीं बनाया, जिन लोगों की आस्था थी मंदिर से उन लोगों ने बनवाया है। ये तो फैसला कोर्ट का था, ये नरेंद्र मोदी का तो फैसला नहीं था। नरेंद्र मोदी ने हाँ फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया हिंदुस्तान में, और 400 पार अब की बार 400 पार तो अब की बार 400 पार अब की बार अंतिम संस्कार, ये इनके जनाजे में आखिरी कील ठोका जाएगा, और हिंदुस्तान ये साबित करेगा कि ये दूसरी आज़ादी अंग्रेज़ों के बाद हम लोग फिरका परस्तों से हासिल करके ही रहें। इन आधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, इन आधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। जमहूरियत के सबसे बड़े आलमबरदार कोई हैं तो हिंदुस्तानी मुसलमान। आप इंडिया गेट दिल्ली में जाइए, आपको तमाम कौमों का नाम वहाँ मिलेगा, पंजाबी मिलेगा, सिख मिलेगा, हिंदू मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे, लेकिन किसी एक गुजराती का नाम आज़ादी की लड़ाई में सिवाय महात्मा गांधी किसी का आप नाम नहीं। तो और दो ही लोग इस पे सवार हैं, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, और आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का क्या हाल बना दिया उन लोगों ने। इन लोगों को 22 कारोबारी पसंद है, जिनमें अडानी और अंबानी सबसे ऊपर है। दो गुजराती इसको खरीद रहे हैं सरकारी मालों को, और दो गुजराती अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको बेच रहे हैं। एयरपोर्ट का हवाई अड्डा बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं कि हवा चांद सूरज भी ये लोग बेच डालेंगे। लेकिन वो दिन आने से पहले एक आज़ादी की लड़ाई और लड़ी जाएगी, जिस तरह से अंग्रेज़ों को हम लोगों ने हिंदुस्तान छोड़ने पे मजबूर किया है। ममता बनर्जी इस झंडे को लेकर सामने आएंगी, और इन फिरका परस्त ताकतों से छुटकारा हासिल करने के लिए अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई एक नंबर लीडर होगा तो उसका नाम ममता बनर्जी। औरतें और मर्दों को वोट देने नहीं दिया जा रहा, तो आप ये कैसे समझ लिए कि सिर्फ मुस्लिम औरतें और मर्द ही आपके खिलाफ वोट कर रहे हैं? आप सच्चाई के तरफ जाकिए, गहराई से देखिए, हालात को समझिए, और दीवार में लिखा जा चुका है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस बार खटिया खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से साफ सफाया हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ गूंज रही है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से इस तरह से नाराज़ हैं जिस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने में उनकी जुल्म और बर्बरियत के लोग खिलाफ थे। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई पनाह चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पनाह चाहता है। लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि हर जालिम फिरौन के लिए अल्लाह ताला एक मूसा अलैहि सलाम पैदा करता है, और उस फिरौन के घर में ही उसकी मूसा अलैहि सलाम की परवरिश होती है, और एक रोज़ फिरौन का खात्मा होता है। CPM
और मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला प्रचार। हमारे बीच पार्टी के नाम पे कोई लड़ाई नहीं है, किसी के साथ नहीं है। हमारा उम्मीदवार एक होता है और उसकी जीत के लिए हम लोग अपने तौर पे बिल्कुल मुत्तहिद होकर कोशिश करते हैं। हमारे सेंट्रल हावड़ा के MLA अरूप राय, जो पश्चिम बंगाल के एक जिम्मेदार मंत्री हैं, उनकी खुद अपनी कोशिश है कि इस क्षेत्र में टिकियापाड़ा के 20 नंबर वार्ड में वो जिस तरह से 12,000 वोटों से जीते थे, वो चाह रहे हैं कि उनका ये रिकॉर्ड टूटे और प्रसून बनर्जी 12,000 ही नहीं 15-16,000 वोटों से जीते। ये खुद अरूप राय की कोशिश है। और आज आपने देखा कि 23 नंबर वार्ड आशुभोस लेन में आकर उन्होंने मीटिंग किया, वार्ड वार्ड में घूमकर वो मीटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वालों ने गलतफहमी फैला के झूठे वादे करके कि 15 लाख रुपया में हम लोग आज हिंदुस्तान के अंदर जो 22 बड़े चोर हैं, जिनमें अडानी और अंबानी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बड़ा दोस्त है, उन लोगों के लोन माफ़ कर दिए जाते हैं और किसी गरीब किसान का लोन माफ़ नहीं होता है, किसी छोटे दुकानदार का लोन माफ़ नहीं होता है, और ये 22 चोर हिंदुस्तान के खजाना को खाली कर चुके हैं, उनके लोन को माफ़ कर दिया गया। और नरेंद्र मोदी 2 गुजराती हिंदुस्तान को लूट रहे हैं और 2 गुजराती हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। अली बाबा 40 चोर पहले हुआ करता था, अब अली बाबा 22 चोर। 20 तारीख के चुनाव में हावड़ा ज़िला में 2 MP के सीट से, एक हावड़ा सदर, दूसरा उलबेरिया। हावड़ा सदर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसून बनर्जी जीत रहे हैं और उलबेरिया से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार साजदा बनर्जी जीत रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाया है, बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। तमाम MLA को उनके क्षेत्र में जिताने की जिम्मेदारी डाल दिया है। क्या 5 सालों से 10 सालों से 15 सालों से आप अपने क्षेत्र में MLA हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे हमारे हावड़ा सदर में 7 MLA का एरिया, सभी MLA अपने अपने क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसून बनर्जी और उलबेड़िया में साजदा अहमद को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और जीत भी उनका तय है। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि कम से कम तृणमूल कांग्रेस 36 लोकसभा सीट पर कामयाब होगी और अगर अल्लाह ने साथ दिया, बंगाल की जनता ने ठीक ठीक से साथ दे दिया और BJP के जुल्म के खिलाफ, और ये जो उनका वोट मशीन है जो लोग कारीगरी करके लाते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 42 में 42 तृणमूल कांग्रेस पाएगी और दूसरी पार्टियां इस पे 0 में चली जाएंगी।